हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वीडियो में बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट आए हैं मार्च क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 2023 के। रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए की है। कैसे नंबर्स हैं, कितने का डिविडेंड आया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, चलिए जानते हैं। नंबर्स की अगर बात करें, डेटा यहाँ पर रुपीज इन लैक्स में गिवन है। रुपी करोड़ में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो टोटल इनकम बैंक की आती है 1364 करोड़ की, जो कि लास्ट ईयर से अच्छा अपसाइड है। फुल ईयर के लिए बैंक की टोटल इनकम आती है 4754 करोड़ की। टोटल एक्सपेंडिचर बैंक का इंक्रीज हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर आया है 953 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से भी इंक्रीज हुआ है एंड लास्ट क्वार्टर से भी इंक्रीज हुआ है। फुल ईयर के लिए भी बैंक का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। प्रोविजन यहाँ पे बैंक के अच्छे खासे रिड्यूस हुए हैं और इसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। इस ईयर में बैंक के प्रोविजन रह गए हैं 18 करोड़ के, जो कि लास्ट ईयर मार्च में थे 1187 करोड़ के। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है बिकॉज प्रोविजन में बहुत अच्छा डिक्लाइन बैंक ने रिपोर्ट किया है। नेट प्रॉफिट बैंक ने रिपोर्ट किया है 310 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर मार्च में था 127 करोड़ का। सो नेट प्रॉफिट में डबल से भी ज्यादा का इंक्रीज है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट पे 145% का इंक्रीज बैंक ने रिपोर्ट किया है। फुल ईयर के लिए भी बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है। फुल ईयर के लिए बैंक का प्रॉफिट आया है 1099 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर लॉस था 414 करोड़ का। सो लॉस से प्रॉफिट में आया है बैंक एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट बैंक ने रिपोर्ट किया है। एसेट क्वालिटी अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रिड्यूस हुए हैं। ग्रॉस एनपीए आए हैं 2.88%, जो कि लास्ट ईयर थे 7.34%। नेट एनपीए आए हैं 0.04%, जो कि लास्ट ईयर थे 0.61%। अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हुआ है। ईपीएस आया है 1.53 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर था 0.73 रुपीज। एंड फुल ईयर के लिए अर्निंग पर शेयर आया है 5.88 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर नेगेटिव था। एंड अच्छे रिजल्ट के साथ बैंक ने डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए की है। 5% का फाइनल डिविडेंड बैंक ने डिक्लेयर किया है। रुपी टर्म्स में अगर हम देखें तो 0.5 रुपी पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बैंक ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए बैंक ने 5.5% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रुपी टर्म्स में अगर हम देखें तो 0.55 रुपी पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए डिक्लेयर किया है। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। रिकॉर्ड डेट जैसे ही अनाउंस होगी हम आपको अपडेट कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिजल्ट्स की हाईलाइट अगर हम देखें तो बैंक ने बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रिपोर्ट की है। बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 310 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से अराउंड 145% का इंक्रीज बैंक ने रिपोर्ट किया है। लोन बुक में 33% का इंक्रीज है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रिड्यूस हुए हैं। डिपॉजिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% का इंक्रीज है। कासा डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% के हिसाब से ग्रो हुए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक ने मार्च क्वार्टर में रिपोर्ट की है 738 करोड़, जो कि 36% का इंक्रीज है लास्ट ईयर से। फुल ईयर के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक ने रिपोर्ट की है 2698 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से अराउंड 52% का इंक्रीज है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक ने रिपोर्ट किया है फोर्थ क्वार्टर में 9.1%। फुल ईयर के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का आया है 9.5%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैंक ने रिपोर्ट किया है 310 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 145% का इंक्रीज है। फुल ईयर के लिए बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1100 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर 415 करोड़ का लॉस था। सो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बैंक ने रिपोर्ट की है मार्च क्वार्टर एंड ईयर एंडेड मार्च 2023 में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।